नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एसपीडी समानतन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आज पार्ट 66 है। इस तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। गारो और खासी पहाड़ियाँ हिमाचल हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। गारो और खासी पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा से शासन किया। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ से शासन किया? गोलकुंडा से शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले थे। शिवाजी के पिताजी कौन था? शाहजी भोंसले थे। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वर्ष 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बना। कब भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 1950 को। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन पंचांग कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। किस कैलेंडर को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है? ग्रेगोरियन पंचांग कैलेंडर को। वायुमंडल के बाह्यतम परत एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल कहलाती है। वायुमंडल के बाह्यतम परत क्या कहलाती है? एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल कहलाती है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओ को शहर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान के अधिकृत वाले कश्मीर पीओके का राजधानी कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फराबाद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है। कोर्स घास स्थली में गोल्फ खेला जाता है। किस घास स्थली में गोल्फ खेला जाता है? कोर्स घास स्थली में गोल्फ खेला जाता है। जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाती है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाती है? जस्तेदार लोहा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। शुक्र एक अंत ग्रह है। शुक्र कैसा ग्रह है? एक अंत ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम इथाइन है। इसका IUPAC नाम इथाइन है, एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलजिकाय का प्रमुख कार्य श्रावी है। गोलजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? श्रावी। मानव नेत्र की रेटिना में कौन सिलिया पिंड पर आधारित होती है? मानव नेत्र की रेटिना में कौन सिलियन पिंड पर अधिक होती है? लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? सिल्वर का। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान सवाना कहलाती है। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाती है? सवाना कहलाती है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिस ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिस ने क्या चलाया था? इक्तदारी प्रथा चलाई थी। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। स्वशासन होमरुल सरकार को एनी बेसेंट ने प्रारंभ की। स्वशासन होमरुल सरकार को किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने कब दांडी यात्रा की थी? 1930 ईस्वी में। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रथम पानीपत के युद्ध में किसने इब्राहिम लोदी को हराया था? बाबर ने। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का।
नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। किसकी पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। क्यूबा कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। बायदाब को मापने का प्रयुक्त उपकरण बैरोमीटर है। बायदाब को मापने का प्रयुक्त उपकरण क्या है? बैरोमीटर है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पे उड़ीसा में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना होती है। अक्टूबर और नवंबर में के बीच भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना रहती है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में मॉडेम संग्रहण करने वाले माध्यम नहीं है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में मॉडेम संग्रहण करने वाला पार्ट नहीं है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता स्वान है। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? स्वान। मैगलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। मैगलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नदी। जब तीन या चार कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को सैंडल कहा जाता है। जब तीन या चार कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को क्या कहते हैं? सैंडल कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले ने की थी। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से लगती है। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है। महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हार्मोन सारे एस्ट्रोरॉयड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हार्मोन सारे क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाता है। इस पाठ में है मिश्र धातु एवं उसके घटक पीतल तांबा तथा जस्ता। पीतल किससे बना है? तांबा तथा जस्ता से। कांसा किससे बना है? तांबा तथा से। ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बना तथा स्टील किससे बना है? लोहा तथा कार्बन से। स्टील किससे बना है? लोहा तथा कार्बन से। डच धातु किससे बना है? तांबा तथा जस्ता से। डच धातु किससे बना है? तांबा तथा जस्ता से। बेल धातु तांबा तथा टीन से बना है। बेल धातु किससे बना है? तांबा तथा टीन से। नेक्स्ट है, गन धातु किससे बना है? तांबा टीन तथा जस्ता से। गन धातु किससे बना है? तांबा टीन तथा जस्ता से। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता तथा निकल से बना है। जर्मन सिल्वर किससे बना है? तांबा जस्ता तथा निकल से। टांका अर्थात शोल्डर किससे बना है? टीन तथा सीसा से। टांका शोल्डर किससे बना है? टीन तथा सीसा से बना है। मोनर मेटल किससे बना है? तांबा लोहा तथा निकल से। मोनर मेटल किससे बना है? तांबा लोहा तथा निकल से। मुद्रा धातु किससे बना है? तांबा टीन तथा फॉस्फोरस से। मुद्रा धातु किससे बना है? तांबा टीन तथा फॉस्फोरस से। कृत्रिम सोना किससे बना है? तांबा तथा एल्युमिनियम से। कृत्रिम सोना किससे बना है? तांबा तथा एल्युमिनियम से। सोल्डर किससे बना है? लेड तथा टीन से। सोल्डर किससे बना है? लेड तथा टीन से। ड्यूरेल्यूमिन किससे बना है? एल्युमिनियम तथा तांबा से। ड्यूरेल्यूमिन किससे बना है? एल्युमिनियम तथा तांबा से। नेक्स्ट है, रोल्ड गोल्ड किससे बना है? कॉपर तथा एल्युमिनियम का। रोल्ड गोल्ड किससे बना है? कॉपर तथा एल्युमिनियम का। बुट्स धातु किससे बना है? सीसा बिस्मथ टीन कैडमियम का।
मूर्छ धातु किससे बना है? सीसा, बिस्मत, टीन, कैडमियम से। नाइक्रोम किससे बना है? निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। नाइक्रोम किसके बना है? निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। जंगरोधी इस्पात किससे बना है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। जंगरोधी इस्पात किससे बना है? लोहा, क्रोमियम, निकेल एवं कार्बन। नेक्स्ट है पदार्थ एवं व्यापारिक नाम। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। विनिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। विनिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। नौसादर अमोनियम क्लोराइड। नौसादर अमोनियम क्लोराइड। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सूक्ष्मबर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्मबर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हराकसिस फेरस सल्फेट FeSO4H2O। हराकसिस फेरस सल्फेट FeSO4H2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैलेना लेड सल्फाइड PbS। गैलेना लेड सल्फाइड PbS। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 × 10। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 × 10। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाल सिंदूर लेड पारॉक्साइड Pb3O4। लाल सिंदूर लेड पारॉक्साइड Pb3O4। सिलिका सिलिकेन ऑक्साइड SiO। सिलिका सिलिकेन ऑक्साइड SiO। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका एसिटिक अम्ल का तनु घोल। सिलिका एसिटिक अम्ल का तनु घोल। मार्स गैस मीथेन CH4। मार्स गैस मीथेन CH4। यूरिया कार्बामाइड NH2CONH3। यूरिया कार्बामाइड NH2CONH3। नेक्स्ट है नीलाकसिस कॉपर सल्फेट। नीलाकसिस कॉपर सल्फेट। मिक मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। मिक मिथाइल आइसोसाइनाइड। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण।